हम बीट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बीट्स क्या होता है बच्चे? अगर हम दो सोर्सेस को प्ले करें एक साथ जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट हो, तो हमें एक वेवरिंग साउंड सुनाई देती है जिसे हम बीट्स कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ वेवरिंग ऑफ साउंड्स इंटेंसिटी व्हेन टू वेव्स ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब आसपास की फ्रीक्वेंसी हो उनकी आपस में, उनको एक साथ प्ले करें तो जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो वेवरिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसे बीट्स कहते हैं। बीट्स मैंने आपको सुनाया था लास्ट क्लास में, मैं आपको सुना दूंगा, आपको एक नहीं समझ में आता तो अभी एक बार और दिखा देंगे। तो अगर हम लोग बच्चे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या होता है, देखो बच्चे जब हम लोग कोई भी वेव की बात करते हैं तो जब कभी किसी मीडियम से एक वेव ट्रेवल करती है, जैसे ये वेव जा रही है, तो वो जो मीडियम के थ्रू वेव जाती है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। अब उस ऑसिलेशन की इक्वेशन आप साइन कॉस किसी में भी लिख सकते हो, ऐसा चीज़ कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मान लो हमने कहा कि जैसे मैंने दो सोर्सेस प्ले किए और मेरे कान में वेवरिंग साउंड सुनाई दे रही है, तो मेरे कान में वेवरिंग साउंड क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि वहाँ से भी वेव आ रही है और वहाँ से भी वेव आ रही है। जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं तो क्या हमको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड सुनाई देती है, सबकी सुनाई देती है साथ में, क्योंकि सबकी साउंड हमारे कान में आके क्या होती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है, उसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, तो एक ही प्लेस पे वो साउंड क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, कलेक्ट हो रही है। और एक्चुअल में क्या होता है, हमारे कान में जो ईयर ड्रम होता है, जो आपको पता होगा, उसकी वाइब्रेशन होती है, उससे हमें साउंड सुनाई देती है। तो उन दो जो वेव्स हैं उनकी नेट वाइब्रेशन से हमारे ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन होती है वो हमें ओवरऑल सेंसेशन देते हैं कि भाई ओवरऑल म्यूजिक बड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि वो भी बज रहा है, वो भी बज रहा है, तो नेट, समझे बच्चे? तो यहाँ पर भी ये है कि जैसे मान लो कोई दो वेव्स जैसे मीडियम के थ्रू पास हो रही हैं, तो वो दो वेव एक पॉइंट हमारा, मान लो ये यहाँ पर सोर्स वन से भी वेव आ रही है और सोर्स टू से भी वेव आ रही है। सोर्स वन से जो वेव आ रही है वो भी इस पॉइंट पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगी, भाई हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती, हमारे ईयर ड्रम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वहीं से तो होती है, तो वहाँ से भी वो भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगी और वो भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगी। तो किसी एक पॉइंट पे मान लो सोर्स वन की वजह से जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसकी इक्वेशन ये है और दूसरी की है, क्योंकि दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, मान लो एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि हमने मान के चला है बीट्स में एम्पलीट्यूड लगभग सेम होता है। अभी जो हमने लास्ट क्लास में आपको बीट्स सुनाई थी उसमें आपको प्रॉपर बीट्स इसलिए नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि दोनों जो सोर्स थे हमारे फ़ोन थे उनकी साउंड इंटेंसिटी सेम नहीं थी, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं था, इसलिए ढंग से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था वो बीट्स। बट अगर अच्छे से अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो आपको बीट्स बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो एक सोर्स की वजह से इस पॉइंट पे जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी इक्वेशन ये रही और दूसरी की वजह से ये रही। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों जो सोर्सेज होंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ये रूल है, क्योंकि बीट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बिना बन ही नहीं सकती है, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए, अलग। जैसे मान लो ये बच्चा बात कर रहा है या आप बात कर रहे हो, तो मुझे आपके बीच का आवाज़ का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी अलग होगी और आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। जैसे हम फ़ोन पे होते हैं, कोई लड़का बात कर रहा है, लड़की बात कर रही है, कोई फीमेल बात कर रहा है, तो हमें कैसे समझ में आता है, उनकी फ्रीक्वेंसी बात करने की क्या होती है, अलग होती है। तो एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये रही, दूसरे सोर्स की इक्वेशन ये हुई, तो नेट वाइब्रेशन जो उस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगी वो इन दोनों का एडिशन होगा ही होगा, ठीक है। तो अच्छा अब क्या करेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे कॉस और बाकी कॉस अंदर आ गया, ये कॉस थीटा है तो कॉस को कॉमन नहीं ले सकते, ध्यान रखना। फिर हम इक्वेशन लगा देंगे कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, मुझसे अच्छा आप कर लोगे अच्छे, क्योंकि मैं तो भूल भी गया हूँ ये फॉर्मुलेस, आपको अच्छे से याद होगा। तो ये इससे हमारे पास फाइनल इक्वेशन, हाँ बच्चे कोई नहीं बच्चे आप भी याद कर लो जैसे, ठीक है, याद करना है, अगर नहीं भी करना है तो ना भी करो, फाइनल रिलेशन याद कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं याद कर लो, थोड़ा सा ऐसी इक्वेशन याद कर लेना। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई, ये बीट्स की इक्वेशन आई। अब बच्चे होता क्या, ध्यान से सुनना, ये मान लो दो वेव्स हैं, एक वेव ये रही और एक वेव रही, अब हमने माना इनका एम्पलीट्यूड सेम है बट इनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे मान लो एक की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एक की 55 हर्ट्ज, पता है ना आपको अलग अलग साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ सारे की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। तो अब जब इनको सुपर इम्पोज कराते हैं तो कुछ ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है, कैसी, वेवरिंग वेव, कैसी वेवरिंग, वेवरिंग मतलब साउंड इंटेंसिटी इसकी क्या कर रही है, बढ़ घट रही है ऐसी, ये इन दोनों को मिला के रिजल्टेंट ये रहा जब इसको ऐड किया। अब देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारी फर्स्ट वेव है उसकी वजह से ये वाइब्रेशन है, सेकंड वेव की वजह से ऐसी वाइब्रेशन है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसी टाइप की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो बीट इक्वेशन है वो इसे सेटिस्फाई करती है।
यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो वेव बनती है दोनों को मिला करके, वो उन दोनों की रिजल्टेंट वेव बनती है। अब इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, एक तो ये फ्रीक्वेंसी और एक ये फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे कि सर ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? देखो अच्छा, हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास दो वेव्स थी, एक की फ्रीक्वेंसी थी 49 हर्ट्ज, एग्जांपल ले रहा हूँ, एक की फ्रीक्वेंसी थी 51 हर्ट्ज। इनको साथ में प्ले किया तो इनकी जो नेट वेव बन गई, इनकी जो एक्चुअल ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बनी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये करीब करीब कितना हो गया, 50 हर्ट्ज की वेव बनी। ये जो नई वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एक होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवरिंग। वेवरिंग मतलब एक सेकंड में कितनी बार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है बच्चों, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस, उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको साउंड सुनाई थी, तो मैंने आपको साउंड क्या सुनाई थी, जैसे मान लो अगर आप एक सोर्स पे 49 हर्ट्ज प्ले करो, एक पे 51 हर्ट्ज, तो आपको टूं टूं ऐसे मतलब क्या होता है, वेवरिंग साउंड सुनाई देगी। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 2 हर्ट्ज का। मतलब आपको एक सेकंड में दो बार वेवरिंग ऑफ साउंड सुनाई देगी, जिसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, जिसे क्या कहते हैं, बीट। तो यहाँ दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव होगी जो कि ये होगी, ऐड करके 2 से डिवाइड किया। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे, इन दोनों का क्या होता है, सबट्रैक्शन। इन दोनों फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सबट्रैक्शन। और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मान लो हम दो सोर्स को प्ले करते हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज़ है, एक की 51 हर्ट्ज़ है, इनका सब डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2 हर्ट्ज़। तो हमें जो बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2 हर्ट्ज़ की मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा, एक सेकंड में दो बार वेवरिंग ऑफ साउंड हमको सुनाई देगा, इसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक सेकंड में कितनी बार वेवर हो रहा है साउंड का, दो बार। तो एक बार दोबारा से अच्छे सुनाएं बीट फ्रीक्वेंसी, बीट सुना दे, सुना दे एक बार, टाइम नहीं लगेगा। अच्छे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो मेनली आप ये जो एक्सप्रेशन है इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस ये ध्यान रखना बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू वन माइनस न्यू टू। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चे, देखो जैसे एक तो बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो दो सोर्स है, एक की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़ और एक की फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज़। बताना क्या होगी बीट फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब है, एक सेकंड में 5 बार वेवरिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, वेवरिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा, बीट फ्रीक्वेंसी है। अब एक क्वेश्चन आता है ट्यूनिंग फॉक वाला बच्चे, मान लो दो ट्यूनिंग फॉक है बच्चे, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है। जब इनको साथ में प्ले करते हैं, जब इनको साथ में प्ले करते हैं तो 5 हर्ट्ज की बीट्स बनती है, ठीक है। इसमें दो केसेस होते हैं, एक स्ट्रिंग वाला केस होता है, एक ट्यूनिंग फॉक वाला केस होता है। तो हम फर्स्ट केस डिस्कस करें ट्यूनिंग फॉक वाला, ध्यान रखना ट्यूनिंग फॉक। पता है ट्यूनिंग फॉक क्या होता है, चिमटा जैसा होता है, सुना नहीं सुना, ऐसा चिमटा जैसा होता है, ठीक है। तो आप इसकी क्या पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो सकती है बच्चे, इस ट्यूनिंग फॉक की दूसरे वाले की, इसकी 25 हो सकती है। देखो अच्छा, इनका डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब इनका डिफरेंस 5 है, तो या तो 5 ज़्यादा हो सकते हैं, 5 कम हो सकता है, तो या तो 15 हर्ट्ज हो सकता है या 25 हर्ट्ज हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि हमने इस ट्यूनिंग पे वैक्स लोडिंग कर दी, मतलब वैक्स मतलब कि वैक्स पता है ना आपको क्या होता है, वैक्स मोम लगा दिया। जब कभी ट्यूनिंग फॉक्स पे वैक्स लोडिंग करते हैं, वैक्स लगा देते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और अगर उसको फाइलिंग करते हैं, घिस देते हैं, तो बढ़ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फाइलिंग घिसना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे। तो मान लो हमको कहा गया कि हमने इसमें ना क्या किया, वैक्स लोडिंग कर दी, मतलब वैक्स लगा दी इसमें, ठीक है। अब दोनों को साथ में प्ले किया, तो इसको हमने वैक्स लोडिंग किया और साथ में प्ले किया, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो बीट्स आ रही है, न्यू बीट्स, वो आ रही है 3 हर्ट्ज, वो आ रही है 8 हर्ट्ज। बताओ पहले क्या फ्रीक्वेंसी होगी, थोड़ी सी वैक्स लोडिंग की है, पहले क्या फ्रीक्वेंसी होगी, पहले 8 हर्ट्ज आ रही है, तो न्यू। देखो अगर पहले 15 हर्ट्ज होता,
लेट अस टेक, थोड़ा सा आपने वैक्स लगा दिया होता, वैक्स लगाने से क्या होता है फ्रीक्वेंसी घट जाती, तो 15 से कम हो जाती, जैसे क्या हो जाती 12-13 हो जाती, तो 12-13 हो जाती तो कितना डिफरेंस 8 हो जाता, सही है नहीं सही है? तो इसका मतलब सच में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 15 होगी। और मान लो अगर 25 होती और आपने थोड़ा सा वैक्स लोड किया फ्रीक्वेंसी घट जाती, 25 से घट के मान लो कितनी हुई 22 हो गई, और 22 में डिफरेंस क्या हो गया उल्टा 2 हो गया, तो बीट्स कम होती है बढ़ती कम हो जाती। केस होता है ट्यूनिंग फॉर्क वाला केस होता है, दूसरा केस हमारा स्ट्रिंग वाला होता है, गिटार स्ट्रिंग। जब कभी हम स्ट्रिंग को टाइट करते हैं, क्या करते हैं स्ट्रिंग को टाइट, स्ट्रिंग को टेंशन इंक्रीज करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। गिटार में हम स्ट्रिंग को टाइट कर सकते हैं, मेरे भाई का गिटार पड़ा था, मैं बजा रहा था, मैंने करते 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 स्ट्रिंग ही तोड़ दी टाइट करते करते। अब ठीक है, तो एक्चुअली क्या था कि देखो अच्छे मान लो दो स्ट्रिंग्स हैं, दो गिटार्स की स्ट्रिंग्स हैं, हम उसको प्ले करें, एक की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज़ है, एक की नहीं पता हमको, जब दोनों को साथ में प्ले कर रहे हैं तो लेट अस टेक 5 हर्ट्ज़ की बीट प्रोड्यूस हो रही है, लेट अस टेक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या फ्रीक्वेंसी पॉसिबल हो सकती है इसकी, क्या क्या दूसरे की क्या क्या हो सकती है, या तो 5 ज़्यादा या 5 कम, कितनी कितनी हो सकती है, तो 245 हर्ट्ज़ और 255 हर्ट्ज़। मान लो हमने कहा कि हमने अब इस गिटार की स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, ठीक है, टाइट करने के बाद अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है मान लो हम कह रहे हैं ये होगी 2 हर्ट्ज, घट गई तो 245 हर्ट्ज होगी पहले या 255 होगी इनिशियली, 255 चलो अच्छे 245 मान के चल लेते, चलो 245 को टाइट करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ेगी, मतलब 245 246 247 हो जाएगी मान लो, इनका डिफरेंस कम होगा या घटेगा इनके बीच का, देखो जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ये बढ़ेगा तो इनका इनका जो डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा, डिफरेंस कम होगा, कम होगा ना, 245 से 246 हो गई 47 हो गई तो ये बढ़ रहा है तो इसका डिफरेंस कम हुआ ना, तो एक्चुअल में बाद में डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ कम हुआ ना, तो यही हुई 245 हुई, ज़्यादा टाइट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी, थोड़ी सी टाइट करनी, तो ज़्यादा टाइट करोगे तो ये और टाइट होती जाएगी, तो थोड़ी सी टाइट की। अब अगर मान लो 255 थी और आपने थोड़ा सा टाइट किया तो 255 की जगह 257 हो गया 258 हो गया, अब 257 हो गया मान लो, चलो 257 हो गया इसका तो बढ़ जाएगी, तो 7 होना चाहिए, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बढ़ जानी चाहिए, यहाँ बढ़ी या घटी, हमने कहा घट गई, हमने आपको क्वेश्चन में दिया घट गई, हमने आपको क्वेश्चन में दिया बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कम हो गई।